जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा रामदेव लगातार एलोपैथी पर हमले कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वे लगातार एक विशेष टीवी न्यूज चैनल पर लगातार आकर एलोपैथी की बुराइयां कर रहे हैं। इस टीवी डिबेट में जहां आईएमए के महासचिव डॉक्टर लेले और रामदेव के बीच लगातार तू-तू मैं-मैं होती दिखाई दे रही है, वहीं अब बाबा रामदेव की दवाई कोरोनिल पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दे कि इस वीडियो के माध्यम से हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हम आयुर्वेद का दुष्प्रचार कर रहे हैं या फिर एलोपैथी का प्रचार कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि आपके सामने सच्चाई आए। आखिर क्यों रामदेव बाबा लगातार टीवी डिबेट्स में आते हैं और एलोपैथी की बुराइयां करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि कितने सारे डॉक्टर और नर्स इस बीमारी की चपेट में आने के बाद मारे जा चुके हैं। आपको बता दे कि जहां आप मजे ले लेकर डॉक्टर लेले और बाबा रामदेव के डिबेट्स देखते हैं और तालियां मारते हैं कि डॉक्टर लेले ने बाबा रामदेव की अच्छे से ले ली है, लेकिन आपके ताली मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबा रामदेव तो यही चाहते हैं कि इसी बहाने सभी की जुबान पर वापस से कोरोनिल की पहचान सभी लोगों के जुबान पर आ जाए। बाबा रामदेव लगातार कहते आ रहे हैं कि उनकी दवाई कोरोनिल WHO द्वारा प्रमाणित है, लेकिन हम आपको बता दें कि बाबा रामदेव की कोरोनिल WHO से प्रमाणित जरूर है, लेकिन कोरोना के उपचार के लिए नहीं, बल्कि उनकी आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल एक सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में प्रमाणित है। अब आप पूछेंगे कि सपोर्टिव मेडिसिन क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि सपोर्टिव मेडिसिन उस मेडिसिन को कहते हैं कि जैसे आप कोई दवाई ले रहे हैं और उसके साथ आप इस दवाई को भी ले सकते हैं। अगर आपको कोरोना हुआ है और आपका इलाज चल रहा है, तो आपको वो दवाई छोड़नी नहीं है, बल्कि आप उसके साथ कोरोनिल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बीमारी से पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, तो आप कोरोनिल के भरोसे नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के हमलों के बाद आईएमए महासचिव डॉक्टर लेले ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा था, जिसके बाद रामदेव बाबा ने माफी भी मांगी, लेकिन उसके साथ ही 25 सवाल दोबारा से दाग दिए। मैं उस 25 सवालों पे नहीं जाता हूँ, लेकिन एक न्यूज आपको जरूर दे देता हूँ कि इन 25 सवालों का जवाब जल्दी डॉक्टर लेले पूरे सबूतों के साथ देने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दे कि इन विवादित डिबेट्स का फायदा आखिर किसको होगा? आखिर जिस चैनल पर ये लगातार डिबेट कर रहे हैं, आखिर वो डिबेट क्यों करवा रहा है? हम आपको बता दें कि इस डिबेट का सीधा सीधा फायदा रामदेव बाबा को ही होने वाला है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही चल रहा है, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। और जैसा कि आप देखे भी होंगे कि जब ये डिबेट होता है, तो वो अपनी दवाई कोरोनिल को सीधा सामने रखते हैं, जिससे लोगों को उसका नाम दिमाग में बना रहे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, आखिर बाबा रामदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। बाबा जी पूरी तरह से बिजनेसमैन बन चुके हैं, वे पूरी तरह से बिजनेसमैन की तरह ही सोच रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और हम आपको बता दें कि बाबा रामदेव के पतंजलि के MD बालकृष्णन ने खुद एक ट्वीट में कहा था कि हमें कोई WHO से दवाई की प्रामाणिकता नहीं मिली है। आप उनका ये ट्वीट स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उन्होंने काफी पहले ये ट्वीट किया था जब कोरोनिल लॉन्च हुआ था और विवादों में फंसा था, लेकिन अब वापस से एक विशेष पार्टी के द्वारा इनकी कोरोनिल दवाई को प्रमोट किया जा रहा है, जिनमें से कुछ ट्वीट आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। इस ट्वीट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा रामदेव की कोरोनिल को प्रचारित किया जा रहा है। चलिए अब आते हैं हम अपने
असली मुद्दे पर, आखिर क्यों बाबा रामदेव इस डिबेट को जारी रख रहे हैं। आपको बता दें कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक ग्राफ आपको दिखेगा जिसमें पतंजलि के पिछले 4 सालों के नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन रेवेन्यू का चार्ट है, जिसे देखकर आपको साफ पता चल जाए कि ये एक पूरी तरह से प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि 2016-17 में जहां पतंजलि का प्रॉफिट 1190 करोड़ था, लेकिन 2016-17 के बाद उनकी कई स्टोर बंद होने लगे थे, उनकी कई दवाओं पर विवाद उठने लगा था, जिसके बाद उनके कई स्टोर बंद हो गए थे, जिसके बाद उनका मुनाफा घटकर अगले साल 2017-18 में 343 करोड़ ही रह गया, जबकि ऑपरेशन रेवेन्यू 8136 करोड़ था। ऑपरेशन रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जिसमें पूरे खर्चे होते हैं और जो बच के जो मुनाफा बचता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करें 2018 और 19 की, तो उनका ऑपरेशन रेवेन्यू फिर से बढ़ जाता है और 8523 करोड़ हो जाता है, लेकिन उनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा ही बढ़ता है और ये 349.4 करोड़ रह जाता है। लेकिन बात करें 2019-20 में, तो बाबा जी को जबरदस्त सदमा लगता है। होता क्या है कि इनका नेट रेवेन्यू बढ़कर 9023 करोड़ हो जाता है, लेकिन इनकी नेट प्रॉफिट एकदम घटकर 242.7 करोड़ ही रह जाती है। अब इस रेवेन्यू को देखने के बाद, इस नेट प्रॉफिट को देखने के बाद बाबा जी का तो दिमाग खटक गया होगा कि आखिर करे तो करे क्या। बस इन्होंने सोच लिया, अब किसी न किसी प्रकार को मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, मुझे 1190 करोड़ जो कि 2016-17 में था उस पर कैसे पहुंचा जाए। इसीलिए अब वो लगातार आईएमए पे हमला करके अपनी कोरोनिल को प्रमोट कर रहे हैं और इसमें उनकी मदद एक विशेष पार्टी कर रही है। हम इसका प्रमाण भी दे रहे हैं, आप कई ट्वीट उनका उठा के देख सकते हैं, आप कई न्यूज पे देख सकते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में न्यूज आया था कि वहां की सरकार लोगों को कोरोनिल फ्री में बांट रही है। अब बताइए, क्या कोई सरकार वैक्सीन लगाने के जगह पर कोरोनिल बांट रही है? उन्हें दवाइयां बांटनी चाहिए थी, लेकिन वो कोरोनिल बांट रहे हैं। अब हम आते हैं डिबेट की बात पे, जो कि अभी एक न्यूज चैनल पर लगातार दिखाया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि बाबा रामदेव जी जो कि उस टेलीविजन चैनल पर लगातार आते हैं, उनके उस चैनल के वो प्रमोटर हैं। आप कई बार उस चैनल के विज्ञापनों में उनका यानी पतंजलि का विज्ञापन देखते होंगे, यानी उस चैनल को पतंजलि सीधे सीधे पैसे देती है कि वो इस तरह के डिबेट्स कराए जिसके कारण उनकी मुनाफा बढ़े। और डॉक्टर लेले के द्वारा उनपे किए जा रहे हमले से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाबा रामदेव के दिमाग में सीधे सीधे ये बात घुस गई है कि एनी पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी। मतलब कि सीधा सीधा है कि पब्लिसिटी कैसे भी हो, अच्छी हो बुरी हो, किसी की जान जाए हजारों लोग मरे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी टाइम था कि लोगों को वैक्सीन टाइम पे लग जाए, ये अभी टाइम था कि लोगों को बेड्स मिले, लेकिन कुछ नेता और एक विशेष पार्टी लगातार उनके इस दवाई को प्रमोट करने में लगी हुई है और कुछ टीवी चैनल भी उनको प्रमोट कर रही है। क्या आपको लगता है कि अगर किसी के लंग्स फेल हो जाएंगे तो कोरोनिल काम करेगी? क्या किसी को तेज बुखार है, क्या किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो क्या आप उसे कोरोनिल देंगे? यहाँ लाखों लोग कोरोना से मर गए हैं। खुद पतंजलि डेयरी के सीईओ इस वायरस के कारण मारे गए हैं।
तो क्यों नहीं बाबा रामदेव जी उनको बचा पाए। लेकिन बाबा रामदेव को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम जारी रखेंगे, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बस उनके और डॉक्टर लेले के डिबेट देखते रहिए और कोरोनिल का प्रचार करते रहिए, क्योंकि हम और आप उन्हीं को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर लेले कब उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। चलिए, आपका इस विषय पे क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा।